बॉलीवुड में बढ़ रहा काला कारोबार और काले कारोबार से बढ़ रही बॉलीवुड एक्टर्स के नोटों की गड़ियां। जी हाँ, ये सवाल बड़ा अहम है क्योंकि महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के लगातार जो सुर्खियां बनी हैं वो सुर्खियां इन दिनों और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियों में है। महादेव बैटिंग ऐप में बहुत सारे सितारों का नाम आया, लेकिन सबसे पहले जिसका नाम आया वो थे रणबीर कपूर। और रणबीर कपूर को लेकर के इसलिए चर्चाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर बड़ी जानकारी ये सोशल मीडिया पर आ रही है कि लगातार काले धंधों से बॉलीवुड एक्टर्स अपने जो पिटारे हैं वो भरते हैं, तिजोरियां भरते हैं, और इसी वजह से लगातार जो कई बड़े एक्टर्स हैं वो रडार पर हैं ईडी के रडार पर। जहां कपिल शर्मा हैं वहां भारती सिंह का नाम सामने आ रहा है, रणबीर कपूर का नाम पहले ही सामने, बड़ी लिस्ट है इसकी। और इसी लिस्ट में अब दावा ये किया जा रहा है कि एक के बाद एक नोटों की गड्डियां ये लोग इसी तरीके की ऐप का एडवर्टीजमेंट करने के बाद भरते थे। बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप में ये आरोप लगा है कि इन लोगों ने ना केवल उसे प्रमोट किया बल्कि उस प्रमोशन के जरिए इन्हें जो मोटी रकम थी वो मिली। हवाला के जरिए ये पैसे कमाते थे, और ना केवल ये महादेव बैटिंग ऐप बल्कि कई ऐसी और चीज़ें हैं जिसके जरिए या तो ये पैसे खरीद फरोख में लगाते हैं या काले धंधों में, जिनका इनको भली भांति पता होता है कि ये गलत कारोबार है, लेकिन उसमें भी ये पैसे लगाने की जुर्रत करते हैं। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब ईडी ने बड़ा एक्शन लेने की ठान ली है। ईडी की माने तो यहाँ पर अब जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। किन किन लोगों ने कितने ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं, कितने ज्यादा पैसों की गड्डियां लोगों ने जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो घरों में छुपा करके रखी हैं, अब इस पर जल्द ही छापा भी मारा जा सकता है। बॉलीवुड के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं इनके घर पर अब रेड भी हो सकती है, इस तरीके की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। दरअसल अभी तक ईडी को इस बारे में जानकारी नहीं है कि इन लोगों ने आखिर प्रमोशन के जरिए कितने पैसे ऐंठे हैं, महादेव बैटिंग ऐप में किसको कितनी बड़ी रकम मिली, और साथ ही ये भी जानकारी नहीं है कि क्या इन लोगों ने उन लोगों से जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि इसमें सौरभ चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है, रवि उप्पल का नाम सामने आ रहा है, ये तो प्रमोटर्स थे, लेकिन इसके अलावा जो मालिक था क्या उनसे मुलाकात की है, और ये पूरा जो गोरख धंधा था वो कहाँ तक जा रहा है। माना ये जा रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से भी है, यानी कि ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन आने के बाद अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी जो कंट्रोवर्सी है, जो एक और बड़ा खुलासा है वो सामने आया है। इसलिए देखना ये है कि जो लगातार सूत्रों की माने जो खबरें सामने आ रही हैं कि रेड हो सकती है, या ये खबर सामने आ रही है कि करोड़ों रुपए जो इन लोगों ने घर में छुपाए हुए हैं और जो हवाला के जरिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, अब उस तमाम चीजों को लेकर के ईडी का क्या रुख हो सकता है, क्या छापा मारने में वो जल्दबाजी करेगी, कब तक छापा मारा जाएगा, क्योंकि 6 अक्टूबर का वक्त दिया गया था इन लोगों को जब पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन 6 अक्टूबर के दिन भी ये लोग ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, ये बड़ी जानकारी है। और इसी वजह से ईडी जो है अब उसका पारा गर्म है, और ईडी के अधिकारी जो हैं अब वो अलग अंदाज से ये तमाम जो बैटिंग ऐप के लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं इनसे पूछताछ करने के लिए अब एक नए प्लान के साथ सामने आने वाली है। अब देखना ये है कि ये प्लान क्या होने वाला है और उसको लेकर के कौन कौन सी बड़ी जो अपडेट है वो सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।